बात कर लेते हैं ब्रिटेन की, जहां पर ऋषि सुनक चुनाव हार चुके हैं, उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है और कीट स्टार्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ऋषि सुनक की पार्टी है, उनको सिर्फ 119 सीटें मिली और लेबर पार्टी ने 410 सीटें जीती है। ब्रिटेन चुनाव में 400 पार हो गया है। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव की करारी हार हुई है। अब इसको लेकर आपको बताया, ब्रिटेन में भी इससे पहले जितने एग्जिट पोल्स आ रहे थे, उन एग्जिट पोल्स का भी इशारा कुछ इसी तरफ था। लेबर पार्टी को 400 से अधिक सीटें ज्यादातर मैक्सिमम एग्जिट पोल्स दे रहे थे और ब्रिटेन में एग्जिट पोल सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर स्टार्मर को शुभकामनाएं दी हैं, उनकी जीत की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को भी थैंक्स कहा है, ऋषि सुनक के फ्यूचर के लिए उनको बेस्ट विशेस दी हैं। और पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से, ये देखिए, ये ऋषि सुनक को ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि जिस तरीके की लीडरशिप आपने दी, भारत और यूके के बीच जो बेहतरीन संबंध रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी भारत आप लोगों को शुभकामनाएं देता है। और फिर प्रधानमंत्री ने स्टार्मर को भी शुभकामनाएं दी हैं। भारत और यूके के रिश्ते और ज्यादा आगाढ़ हो और ज्यादा बेहतर हो, इसकी उम्मीद प्रधानमंत्री ने की है।